पंजाब गौशाला महासंघ द्वारा पंजाब सरकार से गौशालाओं के लिए आर्थिक सहयोग लेने हेतु समस्त गौ भक्तों व पंजाब भर की गौशालाओं के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गौ सेवा मिशन पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें श्री श्री 1008 महंत गंगादास जी महाराज, महंत बंसीदास जी महाराज, महंत रामदास, आचार्य दीपक शास्त्री, स्वामी अजय आनंद महाराज, बाबा सुद्ध सिंह, संत गुरमिंदर सिंह ने भी विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने विचार पेश किए। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर संत महापुरुषों के विचार सुने, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो बुचड़खाने लग रहे हैं उनमें से एक भी बुचड़खाना नहीं लगने दिया जाएगा। गौ सेस लेने की तैयारी चल रही है, सभी गौशालाओं को पैसे दिलवाई जाएंगी। इस बैठक में सिंघारा सिंह, बैंस विनोद जयानी, मयूर सत्यनारायण बांसल, चंद्रकांत, बाबा सुद्ध सिंह, सुशील भुवन मल्होत्रा, प्रिंस चड्डा, जवाहर ढल, मोहित सहगल, संजीव शर्मा, अजय मल्होत्रा, कन्हैया लाल, नवनीत, प्रमोद गुप्ता, सुभाष, प्रदीप सूरी, धीरज, ललित शर्मा, सतपाल बांसल, अनिल सैनी, हाकम सिंह, संजय, मदन चौधरी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। स्वामी कृष्णानंद महाराज जिन्हों के उदम के सदका जीवन का कल्याण हो रहा है, जिथे जीव का कल्याण उथे गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा निरंतर दिन रात चल रही है। कोई एक दो चार दिन नहीं, एक दो चार साल नहीं, जदों तो महापुरशां ने आपका रूप धारण किया है उस समय तो लैके अज तक अते आने वाले समय तक महाराज जी गौ रक्षा गौ सेवा दिन रात निभा रहे हैं। MLA साहब बैठे हैं, तुसी पदवंते बैठे हो, पूर्ण महापुरश सारी संत मंडली बैठी है, संत समाज बैठा है। मैं सरकार को एक बेनती करा कि सब तो पहला पंजाब दे विच जिथे भी बुचड़खाने लाने की विचार करते हो बुचड़खाने ना लाए जाने। भगवती की कृपा बिल्कुल मरनी की अनंत कृपा करना से सभी भावना उतारी भक्तमाल मेरी गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भागवत आराधना महायज्ञ 19 जुलाई से 27 अगस्त तक माँ भगवती की कृपा करना से देवी तालाब मंदिर में हो रहा है। हमारे देश राष्ट्र का मंदिर हो, देश व विश्व में व्यापक आश्रय काम से शक्तियों का नाश हो, सर्वत का भला है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बने सर्वत का भला, सर्वे भूमि सुखी। सबके मंगल के लिए गौ माता की सेवा रक्षा के लिए ये दिव्य अनुष्ठान देवी तला मंदिर प्रबंधक व्यक्ति माँ के लाडले श्री श्री दलित जी सभी मिट्टी के सहयोग से अति दिव्य रूप में हो रहा है। आज के ये विशेष दिव्य है गौ माता की सेवा रक्षा का, जो आज का भक्तों का महापुरुषों के सानिध्य में आयोजन है, इसके लिए घोषित कहूँगा। सबसे प्रथम मैं हमारे जलंधर महानगर की शोभा, संत समाज के गौरव, हमारे सदगुरु स्वरूप पूज्य महंत श्री गंगादास महाराज जी, जिनकी इस नगर पर बड़ी कृपा है, हमारे पंजाब के विरागी संत समाज में जिनका बहुत बड़ा सुजाश है, कुंभों में जतक तत्र तीर्थों में जिनकी बहुत बड़े बड़े शिविर लगते हैं भगवत आराधना के, पूज्य गंगादास महाराज जी के चरणों में नमन। मेरे साथ में विराजमान हमारे गुरु भाई, साडे जलंधर का परम सौभाग्य है कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जिन्हां ने जलंधर की पावन धरती दे उत्ते और इस मंदिर के प्रांगण दे विच माँ की गोद दे विच जो अजे 40 दिवसीय जो महायज्ञ साढ़े जलंधर दे विच इन्हां ने करवाया, जलंधर के निवासी इन्हां दे सदा ही ऋणी रहेंगे। जिस तरह कि महापुरशां ने दस्या
कि जिहड़े बुज्जड़खाने साडे पंजाब दे विच लग रहे, मैं अपने जलंधर वालों पूरा आश्वासन देना कि जलंधर दे विच एक भी बुज्जड़खाना नहीं बन दिता जाएगा। उहदे वास्ते सानू अपने प्राणा की भी बलि देनी पएगी, तो सब तो पहली प्राण की बलि रमन कुमार की होएगी, ये चीज़ का वादा दे। और आप जी नूं महाराज मैं दसना चाहना, शायद कुछ लोगों नूं नहीं पता, थोड़े दिन पहला ही साडे पंजाब के CM भगवंत सिंह मान जी के नाल मैं कुछ गऊ भगतां की मीटिंग करवाई सी। उहदे विच जिहड़ा गऊ सैस है उन्हां नूं लियाण दी पूरी पूरी असी सारी तैयारी कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी जिन्हें भी साडे गऊशाला वा उन्होंने उन्होंने पैसे दे दिए जाएंगे। ये भी मेरी मान साहब के नाल गल हो चुकी, पर उहदे बावजूद देखो मैं पहला इस बारे इन्ना ध्यान नहीं सी कीता, पर जिदा ही मैंने शीतल बहु जी ने स्वामी जी के बारे दसिया तो मैं हूँ ये भी मन के रखिया कि इन्हों के नाल भी मैं बहुत जल्दी और इन्हों ग्रुप जिन्ना भी इन्हों के नाल है उन्होंने नाल एक बार CM साहब की बहुत जल्दी मीटिंग करवा के इस चीज़ को असी हरी झंडी भी दवा देनी नाल। और महाराज जी जो पिछले मंगलवार श्री कृष्ण निवारण बालाजी दरबार बाजार शेखां दे विच आए, और उदों साडे जिन्ने भी सेवादार मंदिर दे सीगे उहदे च इन्हां नूं असीं एक वादा भी दित्ता कि जलंधर दे विच श्री कृष्ण निवारण बालाजी दरबार और पंजाब सरकार द्वारा जो जलंधर दे विच एक बहुत ही सुंदर गऊशाला असीं बनावांगे, और जिहदे विच जिहदी नींह पत्थर भी स्वामी जी खुद आप ही रखणगे। बस मैं इन्हें बेनतियां करने तुहानू चाहुंदा कि तुसी एक जिन्हें भी मेरे वीर इत्थे गऊशाला की सेवा कर रहे हैं भी जिहड़ा अज साडा गऊदान सड़कां दे उत्ते है, कृपया उहनू तुसी संभालो। जिन्नी देर तक असी बहुत ही जल्दी इस सारे माध्यम नू सारी देख रेख नू असी कोशिश कर रहे हैं भी जिन्हें जिस इलाके दे विच गऊधन है उहदे उत्ते कि ऐसा सिस्टम बनाता जाए कि जां तां उन्हां नूं गऊशाला दे अंदर रखाता जाए, नहीं तो कोई ऐसियां जगह असी बना रहे हैं जिहदे विच थोड़े दिनों वास्ते असी उह गऊशाला गऊधन नूं असी उत्थे रख दईए। देखिए जरूरी नहीं है कि सारियां गऊआं दुध दा जिहड़ा सानूं दे रहीआं, कुछ गऊ माता ऐसियां भी ने जिहड़ियां वृद्ध हो चुकियां, उन्हां नूं भी असी जरूर नालों नाल संभालना, ये साडा धन है। कहिंदे ने मावां जे बजुर्ग भी हो जांदियां मावां ते मावां ही हुंदी, इन्हें भी उन्होंने सारी उम्र सानूं दुध दिता, ते अज असी कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े उन्हां नूं सड़कां दे उत्ते सुट दिंदे ने, वो ये ना सोचन वो अपनियां मावां नूं सुट रहे बाद, जे मावां असी नहीं संभाल सकते तो फिर साडे देश का सर्वनाश निश्चित है। इस करके मैं सारे वीरां नूं इक वारी फिर बेनती करना चाहुंदा भी जिहड़े गऊ धन सड़कां दे उत्ते आ उन्हां नूं कृपा संभालीए, और मैं जिस तरह दस्सिया कि बहुत ही जल्दी असी जलंधर दे विच एक बहुत सुंदर गऊशाला बनाउण जा रहे हैं, उहदे विच तुसीं साडा सारे जणे योगदान भी देना। और मैं एक बार फिर तो आए हुए सारे संतां दा और सारे गऊ भगतां दा जलंधर दी नगरी विच आए च बहुत बहुत धन्यवाद कर